भगवान का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी सहसर उठकर खड़े हो गए और अनन्य चित से सामने खड़े हुए श्रीहरि का पूजन करते हुए उन्हें नमस्कार किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा, देव जगन्नाथ, इस जगत की सृष्टि तो मैंने कर दी है, परंतु आपके कृपापूर्ण सहयोग के बिना इसका स्थिर रहना असंभव है। आप ही इस संसार के शास्त्र पालनहार हैं, आप ही इसको अपने अनुशासन में रखें। यक्ष, नाग, राक्षस, देवता, दानव, गंधर्व, ये परस्पर एक दूसरे को मारते हैं, इन सब की रक्षा करने में केवल आप ही समर्थ हैं। आप सब में प्रवेश करने वाले और सर्वत्र व्यापक हैं, इसलिए मुनीश्वरों ने आपको विष्णु कहा है। आपने ही अपने में इस संपूर्ण विश्व को बसाया है, संसार आपका अनुगामी है, आप विभू हैं, संपूर्ण जगत के राजा हैं, अखिल विश्व आपके लिए सेना के सदृश है, इसलिए आप विश्वसेन कहे गए हैं। इस चराचर जगत को अपनी ओर आकृष्ट करने का कारण आपको लोग श्री कृष्ण कहते हैं। देव, आपने तीनों लोकों को जीत लिया है, अतः आप जिष्णु हैं, आप इस संपूर्ण जगत के आदि राजा हो, आप सिंहासन आदित्य हो, आपके हाथ में दक्षिणावर्त शंख है, इस कारण आप पुरुषोत्तम हैं, आपके पास सदा सुदर्शन नामक चक्र विद्यमान रहता है, अतः आप ही चक्री हैं, आपकी ध्वजा गरुड़ से सेवित है तथा स्वर्ण की सी पांख वाले गरुड़ जी आपके वाहन की किकिरीट पदक भुजबंद कर्ण पुष्प केयूर हार उत्तम स्वर सूत्र विचित्र वस्त्र उत्तरीय तथा लाल रंग की मालाओं से आप विभूषित होइए। लक्ष्मी कभी आपका साथ नहीं छोड़ती, आपका ऐश्वर्य अनंत है। मुकुंद, इस जगत में साधु पुरुषों की आप में भक्ति हो, आप भक्तों के ऊपर प्रसन्न होइए। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो देवताओं के बीच में इस प्रकार बोले, युरंची, मुझे कोई शुद्ध मंडल दिखाई जो आपसे पृथक ना हो और जहाँ स्थिरता पूर्वक स्थित होकर मैं जगत की रक्षा कर सकूं। तदंतर ब्रह्मा जी ने कुश की एक मुट्ठी ली और अत्यंत उन्नत स्थल भूमि पर बिछाकर भगवान विष्णु ने कहा, देव, आपके लिए यहाँ पवित्र मंडल है, देवताओं से पूजित होकर आप सदा यहीं विराजमान होइए। इन कुशों पर बैठने के कारण आप विष्टश्रवा एवं कुशेश्वर होंगे। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर भगवान लक्ष्मीपति वहाँ उसके आसन पर आसीन हुए। तदंतर विश्व विधाता ब्रह्मा और भगवान पुराण पुरुषोत्तम दोनों ने उस पुरी का नाम कुश स्थली रख दिया। उस पुरी में रहकर संपूर्ण विश्व के पालक सर्वत्र व्यापक विश्वेश्वर विश्वस्त्रा विश्वात्मा एवं सर्व विश्व नित्य अश्रीमान विष्णु ने समस्त संसार का पालन किया। इस प्रकार पहले जिसका नाम कनक श्रृंगा था, वही पूरी कुशस्थली के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्राचीन काल की बात है, दैत्यों से पराजित होकर संपूर्ण देवताओं ने मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर वहां के वन कुंज और गुफा आदि की शरण ली। वहां पहुंचकर उन्होंने परस्पर सलाह की और इस स्थान पर गए जहां प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। देवताओं ने अपने आगमन का सब कारण उनसे निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ देवाधिदेव भगवान महेश्वर के समीप गए। फिर महादेव जी भी उन सब के साथ वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के समीप गए और उन देव जगदीश्वर की स्तुति करने लगे। देवता बोले, सर्वत्र व्यापक रहने वाले भगवान अनंत को नमस्कार है, कुर्म रूपधारी श्री हरि को बार बार नमस्कार है, भयंकर नृसिंह और वराह रूप धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है, रघुनंदन राम को एवं अनंत शक्ति संपन्न ब्राह्मण को नमस्कार है, परम शांत वासुदेव को नमस्कार है, अज्ञानी जीव को भी पालन करने वाले पशुपति शुद्ध बुद्ध स्वरूप एवं मलेच्छ अंतकारी कल्कि देव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुतियों में लगे हुए देवताओं को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, देवगण, तुम सब लोग एकाग्रचित होकर सुनो,
ब्रह्म विष्णु द्वारा सेवित परम सुंदर जो महाकाल वन है, वहाँ समस्त कामनाओं और फलों को देने वाली एक पवित्र पुरी है, जो बड़ी ही मनोरम और कुशस्थली नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ सिद्ध और गंधर्व निवास करते हैं, वहीं महादेव जी सदा निवास करते हैं। कल्पांत काल में जब समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो जाते हैं, सब तीर्थ, समस्त पुण्य मंदिर, नदी, समुद्र, सरोवर, उपवन, औषधि, वृक्ष, लता, यंत्र, मंत्र, शुभ अशुभ, नक्षत्र और सूर्य, चंद्र आदि जगत का आभास हो, तथा उस समय सबके बीच पुण्य जीव कर्म तथा आश्य कर्मों के संस्कार सबको लेकर भगवान शिव उस पुरी में स्थित होते हैं। अतः कुश स्थली पुरी सबके लिए परम हितकारिणी है। वहाँ मनुष्य द्वारा किया हुआ थोड़ा सा भी दान अनंत गुना हो जाता है। तुम सब लोग यत्न पूर्वक वहीं जाओ। उस तीर्थ में जाकर तुम सब लोग उत्तम विधि से स्नान दान आदि शुभ कर्म करो। उस पुण्य के बल से तुम्हें पुनः स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। वह आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा और शिव आदि सब देवता मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम करके उसी स्थान पर गए। वहां उस पुरी को देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए। कुश स्थली में पेशाच मोचन नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है। उसमें स्थान, स्नान, जप, होम और दान करने से देवताओं की अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। उसके बल से वे दानवों को जीतकर पुनः स्वर्ग लोक में अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित हो गए, जहां प्रत्येक कल्प में देवता तीर्थ, औषधि, बीज तथा संपूर्ण प्राणियों का पालन होता है। वहीं पुरी का सबका आवन रक्षण करने के कारण अवंती आज से इस कुश स्थली का नाम अवंतीपुरी होगा। इस ऐसा कहकर सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। द्विज श्रेष्ठ तभी से भूतल पर वह पूरी अवंती के नाम से विख्यात हुई। व्यास जी, अब मैं यह बतलाऊंगा कि अवंतीपुरी का नाम उज्जैनी कैसे हुआ। एक समय सब देवत्य के राजा महादेव त्रिपुवन तथा त्रिपुर ने ब्रह्म जी के संतोष के लिए बड़ी घोर तपस्या की। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर ब्रह्म जी अत्यंत प्रसन्न होकर उससे बोले, असुर श्रेष्ठ, तुम मुझसे अपना मनोवांछित वर मांगो। ब्रह्म जी के ऐसा कहने पर त्रिपुर दैत्य बोला, ब्राह्मण, मैं देवता दानव गंधर्व पिशाच नाग तथा राक्षस सबके द्वारा अवध्य हो जाऊं। ब्रह्म जी बोले, वत्स, ऐसा ही होगा, तुम निर्भय होकर विचरो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वही अंतर ध्यान हो गए। तब से लेकर उस दैत्य ने पहले के वर्व का स्मरण करके देवताओं का महान विनाश प्रारंभ किया। उससे परास्त हुए देवता आपस में सलाह करके ब्रह्म जी के पास गए और उनसे अपनी विपत्ति का सब समाचार कह सुनाया। यह सुनकर ब्रह्मा जी सहसा उठे और देवताओं के साथ महाकाल वन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने समस्त देवताओं के साथ रुद्र सरोवर में स्नान दान, जप और होम किया। तत्पश्चात महाकाल जी की पूजा करके श्री ब्रह्म जी ने बोला, भक्तों को अभयदान देने वाले देवदेव, महादेव, दैत्यराज, त्रिपुर देवताओं का बड़ा भारी संहार कर रहा है। उसने कितने ही द्वीप, ग्राम और नगर उजाड़ दिए हैं। ऋषियों और सन्यासियों के आश्रम फूंक दिए हैं। अतः आप यत्न पूर्वक इसका वध का कोई उपाय सोचिए। ब्रह्म जी का यह वचन सुनकर महादेव जी ने कुछ सोच विचार कर कहा, देवताओं, उस दुरात्मा दैत्य को जीतने का कोई उपाय करूंगा। जब तक तुम लोग तपस्या करो, अवंतीपुरी में जो होम दान आदि पुण्य कर्म किया जाता है, वह सब अक्षय होता है। सब देवताओं से ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर उस दैत्य का विनाश करके भगवान शंकर महापशुपात नामक सहस्त्र नामक अपने हाथ में लाए। उस समय वे महान आडंबर धारण करके समस्त प्राणियों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगे। देवता उनकी स्तुति और जय जयकार करते हुए उनके पीछे पीछे चले। महादेव जी ने एक ही बाण से उस मायावी असुर को मार डाला और महामाया युद्ध से उसके 3 टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात वे देव सेवित अवंतीपुरी में लौट आए। उस समय ऋषि सिद्धि और
चारण अत्यंत प्रसन्न हुए, जो जय जयकार के साथ भगवान सदाशिव की स्तुति करने लगे। देवताओं को पुनः आपका स्थान प्राप्त हुआ, वहां त्रिपुर नामक दानव को उत्कर्ष पूर्वक जीत गया, इसलिए सब ऋषि महर्षियों ने उसका नाम उज्जैनीपुरी में विद्या की इच्छा रखने वाले महादेव जी की धनार्थी पुरुष धनाध्यक्ष कुबेर की पुत्रार्षि सुरेश्वर इंद्र की सुखार्थी मानव दिनेश्वर सूर्य के उत्तम बुद्धि चाहने वाला गणेश तथा प्रिय वस्तु की इच्छा रखने वाला भगवान विश्वेश की स्तोत्रमय वाणी द्वारा आराधना करते हुए निवास करे। जो सौभाग्यशाली मानव सदा उज्जैनीपुरी में निवास करता, वह मनवांछित कामनाओं का उपभोग करके मृत्यु के पश्चात भगवान शिव के धाम में जाता है। अब उज्जैनीपुरी का पद्मावती नाम पड़ने का कारण बतलाऊंगा। एक समय दुरात्मा दानव के द्वारा धर्म को बड़ी बहुत हानि हुई, तब समस्त देवताओं ने दैत्यों से मिलकर समुद्र का मंथन कराया। उस समय समुद्र से महालक्ष्मी प्रकट हुई, वे उज्जैन के महाकाल वन में रहने लगे। तदंतर कौस्तुभ मणि पारिजात वृक्ष वारणी मंदिरा मदरा धनवंतरी वेद चंद्रमा कामधेनु एरावत हाथी उच्चेश्वरा घोड़ा अमृत कज रंभा अप्सरा शांगल धनुष पांच जन्य शंख महापद्म निधि और हालाहल विश्व ये नाना प्रकार के 14 रत्न प्राप्त हुए। इन सभी को लेकर देवता और दैत्य महेश्वर वन में आए और वहां बैठकर अमृत पीने के विषय में विचार करने लगे। वे सभी पहले में ऐसा कहते हुए विवाद करने लगे, इसके कारण वहां बड़ा भारी कोलाहल मच गया। इसी समय वहां देवर्षि नारद आए, उन्होंने दोनों लोकों का यह दलों का कलह देखकर भगवान विष्णु की आराधना की। तब भगवान श्रीहरि सबके मन को मोह लेने वाले नारी का रूप धारण करके वहां आ गए। उस सुंदरी को देखकर वे महादित्य कामदेव के वंशीभूत हो गए। इसी समय श्रीहरि ने अपने हाथ का कौशल दिखाते हुए दैत्य को मदिरा और देवताओं को अमृत का कलश दे दिया। राहु नामक दैत्य देवताओं का स्वरूप धारण करके उन्हीं के बीच में बैठकर वह उत्तम अमृत पीने लगा। यह जानकर भगवान विष्णु ने तुरंत ही चक्र से उसका मस्तक काट डाला, परंतु अमृत का स्पर्श हो जाने के कारण उस असुर की मृत्यु नहीं हुई। वही इस महाकाल क्षेत्र में राहु और केतु के नाम से विख्यात हुआ। तत्काल तत्पश्चात महाकाल वन में देवताओं ने उन रत्नों को परस्पर बांध लिया, जिससे वे रत्न भोगी हुए। मोहिनी देवी ने कौस्तुभ मणि लक्ष्मी शांख धनुष तथा पांच जन्य शंख ये चार वस्तुएं भगवान विष्णु को दी। उच्चेश्वरा घोड़ा सूर्य को दिया, गजश्रेष्ठ ऐरावत इंद्र को समर्पित किया, देवताओं को अमृत और शिव को चंद्रमा प्रदान करने वाला वृक्ष और इसमें श्रेष्ठ पराजित तथा रंभा अप्सरा को इंद्र के क्रीड़ा कानन नंदन वन में भेज दिया। देवताओं को अपना खोया हुआ स्थान पुनः प्राप्त हो गया। कामधेनुओं को यज्ञ की सिद्धि के लिए ऋषियों के अधीन किया। महापद्म नाम की निधि कुबेर के भवन में गई, परंतु उस हलाहल विष का किसी ने भी आदर नहीं किया। भगवान शंकर ने जगत के हित की इच्छा से स्वयं ही उस विष को पीकर कंठ में धारण कर लिया। तभी से महादेव जी का नाम नीलकंठ हुआ। जहाँ रत्नों का बंटवारा हुआ, उस रत्न कुंड में स्नान करके जो मनुष्य भगवान नीलकंठ का दर्शन करता, वह सब पापों से मुक्त होकर सब रत्नों का भोगी होता है तथा अंत में शिवलोक को जाता है। उस समय हर्ष में भरे हुए ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आदि लगे रहे। इस उज्जैनी पुरी में आकर हम सब लोग रत्नों के भोगी हुए हैं तथा यह सब समय भगवती पद्म लक्ष्मी निश्चल रूप से निवास करती है। अतः आज से इस पुरी का नाम पद्मावती हो गया। जो महाभाग मानव इस पुरी में स्नान करता, दान करता, पूजन तथा नैवेद्य चढ़ाता, देवताओं पितरों का तर्पण करता, उसके शरीर में किंचन मात्र भी पाप नहीं रह जाता तथा उसे दरिद्रता और दुर्गति भी प्राप्त नहीं होती। शरद कुमार जी कहते हैं, व्यास जी एक समय महर्षि लोमश ने अपना अनुभव इस प्रकार सुनाया था। लोमश जी बोले,
एक बार मैं तीर्थ यात्रा के प्रसंग से कुछ स्थलीपुरी में आया। वहाँ भगवान महेश्वर के दर्शन मात्र से मेरे सारे रोग सारी चिंताएं मिट गई और निर्मल हो गया। वही दीर्घ काल तक तपस्या करके मैं जरा और रोग से रहित दीर्घ आयु हुआ। मैंने वहाँ के सब तीर्थों में स्नान किया और पवित्र एवं एकाग्रचित हो समस्त पापों से रहित हो सब तीर्थों में भगवती पार्वती जी के साथ भगवान शंकर सदा निवास करते हैं। उनका श्रीअंग चंद्रमा के समान मुकुट से सुशोभित है। उनके अंगों में चीता का भस्म लगा रहा है। वह सब और चंद्र कला की चटकिली चांदनी चिटकाते हुए शोभा पाते हैं और इसीलिए वहाँ पर कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि और अंधकार कभी नहीं हुआ। वहाँ की नदियाँ सरोवर बावली तथा बल्लव आदि सभी जलाशय कुमुदिनी से व्याप्त होते हैं और उनसे आच्छादित हुए पृथ्वी चांदनी में डूबी हुई सी प्रतीत होती है। वहाँ सब समय कुमुदिनी खिली रहती है। इसलिए उस पद्मावती पुरी का नाम कुमुद्वती हुआ। जो मनुष्य एकाग्रचित हो कुमुद्वती पुरी में श्राद्ध करता है उनके पितर कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरते। वहाँ का श्राद्ध अक्षय होता है। व्यास, यह कुशस्थली पुरी किस प्रकार अमरावती नाम से प्रसिद्ध हुई वह प्रसंग सुनो। एक समय मुनिश्रेष्ठ मरीचि नंदन कश्यप जी ने अपनी पत्नी के साथ परम सुंदर महाकाल वन में बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या करते समय जब 1000 वर्ष विरक्तित हो गए तब आकाशवाणी हुई, द्विज श्रेष्ठ तुमने फल की इच्छा से यह तीव्र तपस्या की, इसलिए जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक इस पृथ्वी पर तुम्हारी संतति बनी रहेगी। तुम्हारी पतिव्रता पत्नी अदिति ने भी तुम्हारा साथ रहकर तप किया, इसलिए यशस्विनी देवी सदा छाया की भांति तुम्हारे साथ रहेगी और जो तुम्हारे पुत्र हैं देवलोक में अजर अमर रूप में विख्यात होंगे। श्रेष्ठ ऋषि श्रेष्ठ तुम भी मेरे वचनों से पाप रहित प्रजापति होंगे। तभी से महर्षि कश्यप आदिति और अग्नि क्षेत्र के साथ कुशल स्थलीपुर में सदा निवास करते हैं। इसलिए देवता असुर और मानव रूप उनकी समस्त प्रजा सदा विष्णु को प्राप्त होती है। व्यास, देवताओं ने महाकाल वन में ही अमृत पान किया था इसलिए वे अमर हो गए। उत्तम महाकाल वन में जाकर ननंद वन वही सब मनोरथ एवं वहाँ के वरों को देवता वाली देने वाली कामधेनु का निवास बताया। समस्त ब्राह्मणों में जो दिव्य वस्तु हैं वे इस उत्तम महाकाल वन में स्थित हैं। यह अमरों की स्थिति है, इस कारण इस पुरी का नाम अमरावती हुई है। जो इस पुरी में स्नान दान आदि करके भगवान महेश्वर का दर्शन करता वह वस्तु दुर्लभ नहीं, यह समस्त भोगों को पाता और मृत्यु के पश्चात भगवान शिव के धाम को जाता। महाभाग व्यास, यह अमरावती पुरी जिस प्रकार विशाला नाम से विख्यात हुई वह प्रसंग भी सुनो। एक समय भगवती उमा ने शिव जी से कहा, समस्त जगत को धारण करने वाले देवदेव जगदीश्वर, आप मेरे निवास के लिए समस्त कामनाओं को देने वाले पुरी का नाम निर्माण कीजिए। पार्वती जी का यह सुनकर वचन भगवान शिव ने सबके मन को प्रिय लगने वाला सुंदर पुरी का नाम रख दिया, निर्माण किया, जो बहुत ही विशाल विस्तृत पुण्यमयी तथा परम पुण्यमयी आत्माओं का आश्रय थी। विशाल होने के कारण ही उसे सदा रहने वाले पूर्णिका तथा विशाला जुहा जहाँ कहीं भी अवस्था में रहकर भी जो नित्य विशाला नाम से उच्चारण करता वह मनुष्य कभी शिव के धाम में प्रतिष्ठित नहीं होता। व्यास, इस समस्त पृथ्वी या संपूर्ण ब्राह्मण विशाल तथा विशाला के समान भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली दूसरी कोई पुरी नहीं। जो मनुष्य श्राद्ध काल में पितरों के उद्देश्य से यहाँ दान करता उनका यह सब दान अक्षय होता है। जिन्होंने कभी दूसरे कार्य के प्रसंग में भी विशालपुरी में आकर स्नान आदि दान पुण्य कार्य किया है वे जहाँ कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं भगवान शिव के ही धाम को प्राप्त होते हैं। इसलिए इस प्रकार कुशस्थली पुरी का नाम
विशाला हुआ। काष्ट कला आदि कालमान युग और कल्प भेद तथा प्रतिकल्प पुरी का महात्म्य सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास 15 निमेशों की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठाओं की एक कला होती है, 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्तों का एक दिन रात होता है, ऐसा मनुष्य पुरुषों का कथन है। चंद्रमा और सूर्य की गति भी बताई जाती है। सूर्य की गति विशेष से मनुष्य का दिन तथा रात्रि होती है। 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, 2 पक्षों का मास और 2 पक्षों की ऋतु कही जाती है।